प्रदेश सरकार ने कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कुल्लू जिला के पिरडी में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए भूमि का चयन कर दिया गया है। कुल्लू मनाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से महज 6 किलोमीटर दूर ही हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भूमि का चयन करने के बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस आदि के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। साइट फाइनल होने के बाद 2-3 दिनों में इसका साइट प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद केस को फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भेजा जाए। पिरडी में करीब 15 बीघा वन भूमि का टुकड़ा है जिस पर हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। हेलीपोर्ट बनने से कुल्लू मनाली के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गौर रहे कि हर साल कुल्लू मनाली की इन वादियों में लाखों पर्यटक पहुंचते हैं। हेलीपोर्ट के माध्यम से भी कई पर्यटक घाटी की इन वादियों में आ सकते हैं। देश विदेश के इन पर्यटकों को हेलीपोर्ट से आवाजाही में आसानी होगी। हालांकि विभाग से फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने में कितना समय लगता है इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, लेकिन शुरुआती दौर में पिरडी में हेलीपोर्ट की साइट चिन्हित हो गई है। स्थानीय पर्यटन कारोबारी घनश्याम का कहना है कि एयरपोर्ट बनने से कुल्लू जिला में पर्यटन कारोबारियों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। प्रदेश सरकार की यह पहल पर्यटन कारोबारियों के लिए काफी फायदेमंद होगी। जो हमारे लोग यहाँ पर्यटन से जुड़े हैं, यहाँ काफी आप देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पे वाटर राफ्टिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं या कुछ टैक्सी चलाते हैं, इनको निश्चित तौर पर इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। और हमारे जो छोटे छोटे जो दुकानदार है, जो जिनको प्रत्यक्ष तौर पर जो है पर्यटन को, जब पर्यटन बढ़ता है तो उनको जो है प्रत्यक्ष तौर पर जो है फायदा मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ये हेलीपोर्ट का निर्माण यहाँ पे होता है तो यहाँ की स्थानीय जनता को जो है बहुत फायदा मिलेगा और यहाँ की जो स्थानीय जनता है इसको भी बहुत फायदा मिलेगा। आप जानते हैं कि अगर आप पूरे साल के संदर्भ में देखें तो मनाली एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर जो है दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, और ना केवल पूरी दुनिया से बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पे जो पर्यटन की दृष्टि से जो लोग आते हैं यहाँ के सौंदर्यीकरण को देखने के लिए या निहारने के लिए। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटक जो है मनाली में आते हैं। स्थानीय टैक्सी संचालक सुभाष का कहना है कि जिला में हेलीपोर्ट बनने से एक और जहां छोटे कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं अधिक संख्या में यहां पर्यटक भी पहुंचेंगे जिससे टैक्सी के कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश सरकार का यह निर्णय बेहद सराहनीय है। इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार खुलने वाली बात की है। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुख जी ने उनका बहुत तह दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेस के माध्यम से कि उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है कि यहाँ पे हेलीपैड बनेगा, बहुत अच्छी बात छेड़ी उन्होंने, क्योंकि हमारी यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है, हमारी बोट राफ्टिंग होती है और हमारे टैक्सी वाले को सबसे ज़्यादा काम मिलेगा। जो यहाँ हिमाचल के स्थाई टैक्सी वाले हैं उनको यहाँ का रोज़गार मिलेगा, और यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले कुल्लू में ही आता है, क्योंकि सदर कुल्लू से जो आते हैं तो मनाली जाते हैं, रोहतांग जाते हैं, लाहौल स्पीति जाते हैं, तो सबसे पहले कुल्लू का ही नाम आता है। कुल्लू जो हमारी एक देवभूमि है, इसमें यहाँ जो भी ऑपरेटर वार्स आते हैं सबसे पहले तो देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और वो यहाँ पे घूमना चाहते हैं। तो जो इन्होंने हेलीपैड का जो बताया ना, इसमें सबसे यहाँ के स्थानीय लोगों को फ़ायदा, जो छोटे छोटे दुकानदार है, जैसे ऑपरेटर है, हमारे होटल एसोसिएशन है, सबको फायदा इसमें है कि बहुत ही अच्छा निर्णय लिया सुखविंदर सुख सरकार ने। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद कि गवर्नमेंट की हमें डायरेक्शंस आई हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक हेलीपोर्ट का जो है वो निर्माण होना है, और ज़िला कुल्लू में जो है हमने पिरडी में जो है ये स्थान इसके लिए चयनित किया है। ये एक फॉरेस्ट लैंड है इसलिए इसका FCA का प्रोसेस हम इनिशिएट कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब हेलीपोर्ट का निर्माण होगा तो हेली टैक्सी सर्विसेज जो है इस पर चलाई जाएंगी, और ये जो है जो दूर से जो पर्यटक आते हैं और जो सफ़र रोड से नहीं, बाय रोड नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत एक सुविधा उनके लिए हो जाएगी, और इससे निश्चित तौर पे जो है हाई एंड टूरिज्म को जो बढ़ावा मिलेगा। देखिए अभी तो लैंड आइडेंटिफिकेशन हो गया है कंप्लीट, और क्योंकि फॉरेस्ट का लैंड है तो FCA में तो कुछ वक्त लगता है, लेकिन हम इसको युद्ध स्तर पर जो है वो इसका केस को हम परसू कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 दिन में हमारा FCA का जो केस है वो अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही FCA की हमें परमिशन सरकार से मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है, उसके बाद इसका जो है कंस्ट्रक्शन का भी कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। कुल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेश सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9481803537 पर कॉल करें।